सुना नहीं जाता ना हमसे सहन होता है। एक काम करो, कहने लगे महाराज कौन सा काम करें, पागल मत बनो कि उस खेत में पैदा क्या होगा, जिस खेत में कांस हो
भैया की तरफ से, सचिन भैया की तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं समर्पित हो रही। भगवान इनको सतबुद्धि हमेशा प्राप्त करते रहें, दीर्घायु की कामना करते हैं। इधर मैया सुनीति समझा करके बोली कि मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर नाराज जरूर होगे, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका ये वंश ना चले। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आपका ये वंश चले अच्छे से, लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत में ही नहीं है। राजा समझा रहे, पागल मत बनो, अगर मेरी किस्मत में कमी होती तो भगवान ने मुझे इतना धन दिया है किस बात के लिए दिया है। बस एक कमी है कि मेरे घर में संतान नहीं, तो इसके लिए कितना कष्ट करेंगे, सारी जिंदगी तो कष्ट करते आए हैं, अब क्या करेंगे। महाराज समझा रही है सुनीति, कहती जा रही, महाराज ये बताओ, एक बात बताओ मुझे, अगर आपके समझ में आए, एक लोटा रखा है, लोटा फूटा हुआ है, एक लोटा वहीं पर अच्छा है, क्या आप फूटे हुए लोटे से पानी पियोगे? नहीं पियोगे, वो लोटा हटा करके रख दोगे, नए लोटे से पानी पियोगे। राजा उत्तान पात कहने लगे, तुम कहना क्या चाहती हो, बात बताओ बिल्कुल साफ। कहने लगे, महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, आप दूसरा विवाह कर लो तो आपके घर में, आपके आंगन में कोई संतान तो खेलेगी, आपका वंश बढ़ेगा। जो ये बात कही महाराज, राजा कहने लगे, पागल मत बनो, जिस दिन से अगर कोई दूसरी आ गई तो तुम्हारी कदर होना बंद हो जाएगी, जो तुमको ये सुख का भोजन मिलता है ना, ये भी मिलना बंद हो जाएगा।